हमारी ऑडियो वीडियो की पिन जो कि खराब हो चुकी हैं, यहाँ से इसके जो आगे की पिन थी वो टूट चुकी है। तो अब सिंपली क्या करना है दोस्तों, आपके पास अगर कोई पुरानी आरसीए केबल रखी हुई है तो उसके आगे की जो पिन होती है उनको काट लीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्ट करेंगे। अब कनेक्शन कैसे करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम लोग इसे कट कर देते हैं क्योंकि ये हमारे अब काम की नहीं रही। और कट करने के बाद यहाँ से मैं इस वायर को छील लेता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, दो वायर यहाँ पर आ चुकी हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये है। ऐसे क्या करेंगे, इस वायर को भी यहाँ पर छील, वायर्स को छील लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें येलो वायर और ब्लैक वायर मिली है और इस लीड में हमें ग्रीन वायर और ब्लैक वायर मिली है। तो ये जो ब्लैक वायर्स हैं, ये वाली वायर और ये वाली वायर, ये ब्लैक वायर जो है हमारी कॉमन वायर है यानी कि ग्राउंड की वायर है, और ये वाली जो वायर है ये ऑडियो की वायर है, ये वाली भी ऑडियो की वायर है। इनमें से एक लेफ्ट स्पीकर है और एक राइट स्पीकर है। तो क्या करना है कि आपको पुराना कोई भी लीड ले लेनी है और उन लीड्स को छील लेना है आगे से। अगर आप छीलेंगे तो इस तरह की लीड निकलेंगी अंदर से। तो किसी में ऐसी लीड्स निकलती हैं पीबीसी वाली, और किसी में एक पीबीसी होती है और दूसरी लीड पीबीसी में नहीं होती। बिना पीबीसी की है ये ग्राउंड वायर है, और ये वाली रेड वाली जो वायर है ये ऑडियो की है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों में से किसी पे भी आप इसे कनेक्ट कर दीजिए। ये जो ग्राउंड वायर है इस ब्लैक ग्राउंड वायर के साथ में कनेक्ट करनी है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, हमने इसे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। आप चाहें तो इसे सोल्डरिंग आयरन से भी कनेक्ट कर सकते हैं जिससे इसके कनेक्शन बार बार छूटेंगे नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इसे पहले टेबिंग कर दीजिए। यहाँ पर ग्राउंड वायर को कनेक्ट कर दिया और उसके ऊपर टेबिंग भी कर दिया। अब हमारी रेड वायर बची है तो इस रेड वायर को हम ग्रीन वायर से कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हम लोग जोड़ देते हैं। लीड थी ये कनेक्ट हो चुकी है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि ये वाली जो वायर थी इसमें हम ये वाइट वाली पिन लगा रहे हैं। तो इसमें देखिए, एक तो हमें येलो दे रखी है और एक विदाउट वायर की दे रखी है। तो विदाउट वायर वाली कॉमन है तो कॉमन को हमें लगाना है यहाँ पर। ये जो हमारी ब्लैक वायर है इसके साथ में कनेक्ट कर देना है, और जो हमारी पीली वायर है इस पीली वायर को पीली वायर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों कनेक्शन हो गए। अब सिंपली क्या करना है आपको, इसके ऊपर भी टेपिंग कर देनी है अच्छे से, और ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में लगे। हमारी जो लीड है बिल्कुल रिपेयर हो चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आप इसे कनेक्ट करके आराम से इंजॉय कर सकते हैं म्यूजिक का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।